करौली शहर की जन समस्याओं को लेकर करौली नगर परिषद के पार्षदों का धरना बुधवार को तीसरे दिन भी जारी है। पार्षदों का कहना है कि जब तक जन समस्या का समाधान नहीं होगा वो धरने से नहीं उठेंगे। शहर में सफाई व्यवस्था के बिगड़े हाल, सार्वजनिक रोशनी, आवारा जानवरों और बंदरों की समस्या, साधारण सभा की बैठक नियमित नहीं होने सहित लापरवाही, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए पार्षदों ने सोमवार से कलेक्ट्रेट के सामने धरना शुरू किया था। वहीं नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष कुलदीप सिंह सहित अन्य पार्षदों ने बताया कि परिषद में नए बोर्ड के गठन के बाद से ही शहर में अव्यवस्थाएं हो रही हैं, लेकिन परिषद प्रशासन की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसको लेकर कई बार परिषद प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहीं पार्षदों ने परिषद में आयुक्त पद पर सक्षम अधिकारी की नियुक्ति करने, परिषद क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराने, सर्वे के अनुसार स्ट्रीट लाइट लगवाने, आवारा पशुओं की समस्या से शहरवासियों को निजात दिलाने, नगर परिषद बोर्ड की बैठक नियमानुसार करने की मांग की। इसके अलावा पिछले 20 महीने में नगर परिषद क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों की गुणवत्ता की जांच व अधूरे काम को जल्द पूरा कराने, प्रशासन शहरों के संग अभियान में खानापूर्ति शिविर नहीं करके सरकारी आदेश अनुसार सभी विभाग व अधिकारियों की उपस्थिति में वार्ड में शिविर योजना करने और शिविर की सूचना पार्षद व आमजन को देने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।